हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपके पास, कैसे इसको फाइंड आउट? मैकेनिकल फिजिक्स में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल फिजिक्स में कि मैकेनिकल फिजिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। और पोटेंशियल एनर्जी किस पे बात करते हैं? हमेशा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। सिंगल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे बात करते हैं? रेफरेंस लेवल। ठीक है, जो ये फार्मूला आप लिखते हो तो इसमें ये लिख दो, तो कि एक यहाँ पे आप अगर पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल से इस पे बात करते हो तो यहाँ पे क्या मान रहे हो? जीरो। अरे यहाँ पे क्या बन गई? एम जी एच बन गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो किसकी बेसिकली क्या होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल फिजिक्स क्या कहती है? क्या एग्जिस्ट करती है आपकी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है किसके? रेफरेंस लेवल पे। लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालें? ठीक है, इसको निकालने के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला मैथमेटिकली? चार्ज इनटू में पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। जैसे हम मैंने कहा बेटा, एक कोई यहाँ पे कोई क्यू चार्ज था, यहाँ पे कोई पोटेंशियल है वी, यहाँ पे क्या है? वी पोटेंशियल है। कोई क्यू चार्ज था इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट अजम्पशन, जस्ट ये क्या है आपकी? अजम्पशन। किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकती है, पर ये जस्ट ये आपकी क्या है? अजम्पशन। ठीक है, कि इन्फिनिटी में कोई क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज को हम लोग किसी डिस्टेंस यहाँ पे लेके आ रहे हैं इधर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल फील्ड है ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी क्या आपकी एक्सटर्नल फील्ड है, तो हमें इस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। हमें जब इस क्यू चार्ज को लेके आऊंगी मैं इधर किसी डिस्टेंस आर तक, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक, ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस आर है, तो मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि पोटेंशियल है, इट मीन्स यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पे मैंने कहा पोटेंशियल है भी, तो पोटेंशियल है मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड, मैं लेके भी इसको एक्सटर्नल फील्ड में लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ पे लेके आई स्पेस के अंदर, तो मुझे इस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे? चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्योंकि वी पोटेंशियल थी और इस वी पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करा, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे फॉर्मूला वर्क डन का? और चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो किसको क्या लिख सकती हूँ मैं? क्यू इनटू में वी ई। वर्क डन क्या करना पड़ा मुझे? क्यू इनटू वी। ठीक है, अब देखो, तो आपके पास ये जो वैल्यू आई, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने पढ़ा है कि डेल्टा यू, देखो इसके अगेंस्ट लेके आ रही, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, अगेंस्ट लेके आ रही, तो वर्क डन के लिए आंसर कैसा आ जाएगा? माइनस साइन। और डेल्टा यू किसके बराबर होगा था? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, यही आपने पढ़ा है ना वहां पे आपके पास। या मैं कह दूं डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, बाय कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्थ यूनिट में पढ़ा था वर्क एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या बन जाएगी यहाँ पे? क्यू इंटू वी, माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, चार्ज इनटू पोटेंशियल, वो इस तरीके से आएगा आपके पास। ठीक है, आप देखो डिस्कस भी करते हो इसको डीपली कि ये कैसे कैसे आपके पास है। सिंपली मैंने अभी ये बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास? दूसरा फॉर्मूला होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का के इसी को, अरे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी की वैल्यू मान ले कितनी है? के क्यू बाई आर, तो के क्यू क्यू बाई आर, दोनों अलग अलग है, मानिए क्यू वन है तो ये क्या बन जाएगा? क्यू, तो क्यू वन इंटू क्यू हो जाएगा आपके पास, क्यू वन चार्ज को लेके। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला ये होता है के क्यू वन क्यू अपॉन में आर, या दो चार्जेस अलग अलग हैं वैसे लिख लेते हैं,
के क्यू वन क्यू टू बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं ये आया कैसे, कैसे हमने इसको लिखा। ठीक है, इसके तरीके की बात सिंपली, अब सिंपल पहले होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी इतना ही बताया आपको। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में बात करते हैं ये आया कैसे यहां से। देखो, हमने मैकेनिकल फिजिक्स में पढ़ा कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू जो होती है वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन के, कब, बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सबने पढ़ा है आप लोगों ने, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारे कैसे कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब जो सिर्फ वर्क डन जो है किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, जहां पे वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी पे डिपेंड ना करे। जैसे मैं कहूं वन से टू जाना है आपको, आप ऐसे गए, आप ऐसे गए, आप ऐसे घूम के गए, आप ऐसे घूम के, कोई डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वो किस बात पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव मतलब इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे क्या करता है बेटा, वो डिपेंड करता है आपके। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस, ये लिखा डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल लेंगे ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, को यू से लिख लेते हैं, किसे लिखते हैं हम लोग, यू से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें बात करनी है यहाँ पे आपके पास कि ये वैल्यू अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यू आई बराबर प्लस डब्ल्यू, प्लस और माइनस का डिफरेंस कब होगा, ये कब है, जब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंडीशन कब होगी, जब वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कंडीशन कब होगी आपके पास प्लस वाली, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कैसे हुई बेटा ये, देखो इस चीज को मैं डायरेक्ट समझा देती हूँ थोड़ा सा ना, हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि सर कंसेप्ट ही यही इस क्वेश्चन टॉपिक का, वर्क एनर्जी थ्योरम, अदरवाइज तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने वाली बात हो जाती है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, क्या होता है आपके पास, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पिछले ईयर में, आपके पास फोर्थ यूनिट पढ़ाई थी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय मतलब यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस कोई फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते यहाँ पे, या कोई और भी इंटरनल मॉलिक्यूलर की और कोई फोर्स होगा तो उसको भी लिख लेंगे। मैंने क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में पिछले साल लिखवाया था आपको। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं, किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं के एफ माइनस के एल, ये बात करते हैं ना हम लोग, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, लेकिन देखो जब हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है तो वहां पे क्या पढ़ा है हमने कि इनफिनिटी से किसी चार्ज को मूव करवाएंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे विदाउट एक्सेलरेशन, टू मूव द चार्ज इनफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, to move the charge infinity to that point without a acceleration, किसके द्वारा मूव करवा रहे हैं, without acceleration मतलब वहां पे velocity क्या है, zero, acceleration वहां पे आपके पास zero है ना, acceleration zero मतलब वहां पे पास कोई वर्क डन नहीं हो रहा, change in kinetic energy मतलब final kinetic energy minus initial kinetic energy total energy क्या है, zero है, अरे मतलब acceleration zero है मतलब velocity तो constant है ना, तो क्या लिखोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1 बाय 2 एम वी का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 एम वी आई का स्क्वायर, ये लिखोगे ना,
गई आपकी यहाँ पे जीरो, तो मैं क्या कह सकती हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक, इलेक्ट्रोस्टेटिक। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैसा बन गया फिर आपका पॉजिटिव, या उल्टा कह दूं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक नेगेटिव होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल की। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल नेगेटिव हो इलेक्ट्रोस्टेटिक, तो इलेक्ट्रोस्टेटिक में नेगेटिव आया तो इसमें कैसा आएगा आपके पास, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। बाकी मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया था, मैंने कहा था अगर पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हो, अगर किसको मूव कर रहे हो पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपने आप। तो वर्क डन किसके द्वारा होगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने कहा था वर्क डन ए टू बी क्या होता है आपके पास, बाई क्यू नॉट, तो यहां आएगा वी ए माइनस वी बी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखते हो तो। अगर दूसरा मैंने लिखा वर्क डन ए टू बी एक्सटर्नल है, ये तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो ये बनेगा वी बी माइनस वी ए। तो देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव है ना, इसको मैं उल्टा लिख दूं, तो वर्क डन ए टू बी नेगेटिव लिखूं तो वी ए माइनस वी बी, इसको लिखूंगी तो यहां पे माइनस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ, बोलो मेरी बात समझ आई। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये बात समझाई आपको कि वर्क डन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा हो तो यहाँ ए टू बी है तो यहाँ भी क्या आएगा ए टू बी, लेकिन एक्सटर्नल के द्वारा वर्क डन होगा तो यहाँ ए टू बी है तो क्या आएगा यार, क्या आ जाएगा बी टू ए। लेकिन जब दोनों को बराबर रखेंगे तो देखो देखने की बात है कि ये एक दूसरे की क्या नेगेटिव ही तो है, तो बात समझ आई। तो एक दूसरे से क्या है यहाँ पे भी नेगेटिव, तो मैं डायरेक्ट भी कह सकती थी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव है किसका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का, तो ये नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव नेगेटिव कैसा बन गया आपके पास, पॉजिटिव बन गया। या मैं इसको ये कह देती वीपी माइनस वी है, यहाँ नेगेटिव लगा देती, बात तो एक ही थी ना। समझ आई या बात नहीं आई समझ में, ठीक है। तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। बाकी यहाँ से भी ये बात क्लियर हो रही है भाई, मैकेनिकल फिजिक्स, मैकेनिकल फिजिक्स से ही समझा दिया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस फॉर्मूले की, बात करते हैं ये क्या होगा आपके पास, ये ध्यान रखना बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये हमारा न्यूमेरिकल्स में काफी बार यूज होगा, इसलिए ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट टाइम इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी में वे सारे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे अब यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका ये जो फॉर्मूला मैं बता रही थी यू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर कैसे आया, जैसे आपके पास ये एक चार्ज है क्यू वन, ये एक चार्ज क्या है यहाँ पे, पहले क्या मान लोगे क्यू वन और क्यू टू एक सिस्टम में एक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको कॉन्फ़िगरेशन में रखना पड़ेगा, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो किस तरीके से उस आप उस चीज को पुट कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसको आप किस तरीके से रख रहे हो, ठीक है। क्यू वन और क्यू टू दो चार्जेस है, ठीक है, मान लीजिए इन्फिनिटी पे है पहले, लेट अस कंसिडर Q1 and Q2 are two charges are at infinity. Infinity पे मैंने अभी बताया था क्यों consider करते हैं, क्योंकि infinity पे potential क्या हो जाता है zero. Infinity पे potential क्या हो जाता है zero. बस assumptions problem को solve करने के। तो अब मैं यहाँ पे किसी Q1 charge को move करवा के लाई यहाँ पे कहीं किसी point पे। तो यहाँ पे कोई force नहीं लगाना पड़ा क्योंकि वो external field भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, वो आराम से इस ये repel कर रहा था, इसको धक्का मार रहा था पहले ही, ये इसको, इन दोनों में पॉजिटिव सेम नेचर के थे तो रिपल्सन तो था ही, तो इसको पहले धक्का मारा, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करा, ये अपने आप मूव करके आ गया यहाँ पे, तो ये पहले इसको रिपेल कर रहा, थोड़ा हल्का सा इसका धक्का दे आ गया ये, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो वहां पे वर्क डन क्या मानेंगे, जीरो। तो डब्ल्यू वन वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, जीरो। इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, यू एफ माइनस यू आई किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो चार्जेज है, ऐसे लिख लो यू एफ माइनस यू आई वर्क डन एक्सटर्नल क्यू वन प्लस वर्क डन एक्सटर्नल क्यू टू, ठीक है। तो वर्क डन एक्सटर्नल बाय क्यू वन, वर्क डन एक्सटर्नल क्यू वन, क्यू वन को मूव करवाया तो कोई वर्क डन वहां पे हमें नहीं करना पड़ा, तो वहां पे वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो, ठीक है। आप क्यू टू को मूव करवाते हैं, किसको, यहाँ पे मूव करवाते हैं आप लोग क्यू टू के ऊपर, ठीक। Q2 को जब मूव करवाओगे, Q2 को जब यहाँ पे किसी पोजीशन पे लेक कॉन्फ़िगरेशन में लाना पड़ेगा, मैं पहले कह रही कॉन्फ़िगरेशन तो पोजीशन पे डिपेंड करता है आपके पास, तो इस ये जो Q1 पहले आ चुका, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स, मान ली किसने डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं आप लोग इसमें एक्स कॉम्पोजिशन से, तो क्या बन जाएगा डब्ल्यू वन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स इन्फिनिटी टू आर। कितने डिस्टेंस पे लेके आए हो, इन्फिनिटी से आर तक लेके आए हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास इंटू डी एक्स, तो वर्क डन डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू के द्वारा वर्क डन कितना बन जाएगा आपके पास के क्यू वन एक्स स्क्वायर होगा बेटा, के क्यू वन क्यू टू आर ले लो, तो ये बना एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस वन इन्फिनिटी टू आर, लिमिट लगा दो यहाँ से इसके, तो डब्ल्यू टू के क्यू इंटू क्यू टू, तो ये बन जाएगा आपके पास वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू टू इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू टू बाई, ये माइनस का आर आ जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये माइनस, तो ये वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तो माइनस में ये आ गया आपके, तो वर्ड वन वर्ड टू कितना हुआ के क्यू इंटू क्यू टू, लेकिन अपोजिट मूव करवा रहे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो थीटा कोस 180 लिख के, तो वो माइनस ऑलरेडी रहता है फोर्स में यहाँ पे, तो वो माइनस माइनस बाद में क्या हो जाएंगे आपस में ये प्लस हो जाएंगे। अरे कोस एक्सटर्नल के लिए पहले भी बताया था आपके पास, इसके अपोजिट ऐसे मूव करवा के लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करवा रहे हो अपोजिट वर्क, ठीक है, तो आपके पास देखो एक्चुअल यहाँ पे जब ये आएगा यहाँ पे, तो इसके एक्सटर्नल फील्ड इससे क्या होगा आपके पास अपोजिट वर्क है, तो अपोजिट के लिए साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव, और एक नेगेटिव ये और आ गया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये वर्क डन आ गया आपके पास बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो ये क्लियर हो गया। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे जो बात करेंगे चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई, इसके द्वारा वर्क डन क्या हुआ जीरो, इसके द्वारा वर्क डन कितना है के क्यू क्यू टू के क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है, तो देखो यू एफ तो इनिशियल है यहाँ पे यू, और इनिशियल का मान है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे आर क्या हो जाएगा आर इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी जीरो, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी जीरो, तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी के क्यू वन क्यू टू बाई आर, समझ आया। फिर से देखिए इन्फिनिटी से किसी चार्ज को मूव करवाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और वो किस फॉर्म में, और जो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, तो पोटेंशियल देखो मैं दोनों दो तरीके से सोल्व करूंगी इस क्वेश्चन को, अभी समझ आया सिंपली जैसे कि हमने पोटेंशियल में कंसेप्ट लगाया था वही लगा दे मैंने, तो यहाँ से इन्फिनिटी टू आर इंटीग्रेशन करा तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया ये इनिशियल पोजिशन कहाँ पे मानी है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी जीरो, इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या हो जाएगी आपकी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है। अब देखो दूसरे तरीके से बात करते हैं, ये लिख लीजिए ये मेथड एक बार फटाफट, सेकंड मेथड की बात करते हैं फिर आप, हो गया ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट मेथड देख लीजिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या कहता है आपके पास आप इन क्यू वन को मूव करवा के लाइन को वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यू एफ माइनस यू आई आपका क्या है आपके पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू वन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इनटू क्यू, ठीक है, तो यू एफ माइनस यू आई किस पे इंफिनिटी पे, ठीक है, यू एफ इनिशियल पोजिशन यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाएगी वहां, ठीक है, ये किस पे इंफिनिटी पे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्यू वन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्यू टू, देखो क्यू वन को पहले मूव करवाऊंगी, पहले किसको मूव करवा रहे हो क्यू वन को, पहले क्यू वन को यहाँ लेके आओगे तो कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों यहाँ है ऑलरेडी, दोनों में कहीं रिपल्सन है, तो हल्का सा ट्विस्ट करते ही मतलब मामूली सा कुछ वर्क होगा उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा W1 के द्वारा जीरो, WQ1 के द्वारा वर्क डन कितना हो गया आपका जीरो, WQ2 के द्वारा देखो अब दूसरा मेथड क्या है कि ये Q1 है जिसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगी, अरे Q चार्ज होता है यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या आती है KQ1 by R आएगी या नहीं आएगी बताओ, KQ by R का फॉर्मूला था, तो इस पॉइंट पे जब आप इस Q2 को लेके आओगे तो यहाँ पोटेंशियल कितनी होगी KQ1 by R, इसके कारण पोटेंशियल होगी, जब इस Q2 को लेके आओगे तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क तो करना पड़ेगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था आपके पास, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी पाई क्यू नॉट, ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बी इंफिनिटी पे है तो इसको इंफिनिटी पे जीरो, तो ये बी मान लिया, तो वर्क डन डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास, चार्ज इंटू पोटेंशियल, वर्क डन क्या होगा आपके पास, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे वर्क डन को क्या लिखूंगी, तो वर्क डन बाई क्यू टू, तो वर्क डन बाई डब्ल्यू टू या क्यू टू क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्यू टू इंटू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन, ठीक है। तो कितनी है कि आपके पास क्यू टू पोटेंशियल कितनी है, के क्यू वन बाई आर, तो वर्क डन बाई क्यू टू कितना आ गया, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है समझ आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले को सीधा सीधा समझ आ गया, वैसे बड़ा वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो सीधा यहाँ पे यू लिख देती, बाकी सोल्व भी कर लो यहाँ से इस बार इसको, ये लिख लिया सबने, इधर देखो तो डब्ल्यू वन तो क्या हो गया जीरो, तो यू एफ को यू मान लू मैं, यू एफ माइनस इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा जीरो बराबर, ये भी जीरो, तो क्या बना के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया आपके पास, फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है समझ आई। दो चार्जेस के लिए बात करते, देखो सिंगल चार्ज की गणना करना, ड्यू टू द सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ड्यू टू सिंगल चार्ज नो पोटेंशियल एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी, सिंगल चार्ज के कारण बेटा कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, हमेशा दो चार्जेस होने चाहिए तभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। पोटेंशियल एनर्जी आप देखो कैसे क्वांटिटी है, स्केलर है तो ये साइन पर डिपेंड करेगी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर सो इट डिपेंड्स ऑन द साइन, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, जैसे आप पोटेंशियल में करते थे सेम वैसे, ठीक है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी आपके पास, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो क्यू वन कैसा है पॉजिटिव है और क्यू टू कैसा है आपका नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी साइन पे डिपेंड करेगी, ठीक है कि साइन पॉजिटिव है या साइन नेगेटिव है, ठीक है समझ आ गया। बिकॉज दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो द स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए आगे, अब बात करते हैं थ्री सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बात करी यहाँ पे, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर द थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस, थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस, थ्री सिस्टम ऑफ द चार्जेस, ठीक है। अब मान ले तीन सिस्टम ऑफ चार्ज है कहीं पे इंफिनिटी पे, क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री, लेट अस कंसीडर थ्री चार्जेस क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री एट ए डिस्टेंस इंफिनिटी पे रखे हुए इनिशियली कहीं पे भी, ठीक है। अब इन तीनों को लेके आना है अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे लेके आएंगे इसको, इस फॉर्म में, तो Q1 को यहाँ लेके आएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो Q1 को जब आप यहाँ पे लेके आए तो इधर ही आओ सबसे पहले, कि वैसे तो कहीं भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा इजी लगेगा आपको। इस Q1 को आप इस पोजिशन पे लेके आए, ठीक है। Q1 को जब लेके आए तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, तो वर्क डन बाई क्यू वन क्या हो गया आपके पास, डब्ल्यू वन वर्क डन क्या हो गया जीरो बाई क्यू वन, ठीक है समझ आया। फिर आप क्यू टू को यहाँ लेके आए, तो क्यू टू को लेके आओगे तो क्यू वन के कारण यहाँ पोटेंशियल होगी, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे। जब आप क्यू टू को यहाँ पे लेके आओगे तो क्यू वन के कारण यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या, ठीक है बेटा, देखो जब Q2 को जब लेके आओगे तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। जी देखो Q1 को यहाँ ले आओ, जी आप उल्टे कैसे भी ले आओ, जी आप ऐसे ले आओ पहले Q1 को यहाँ ले आओ, किसी को कुछ लग रहा हो कैसे भी ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, मैं दोनों तरीके से बता दूंगी आपको। जैसे Q1 को यहाँ लेके आए तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये पॉइंट ए कह दो, ये पॉइंट बी कह दो, ये पॉइंट सी कह दो, तो वर्क डन बाय Q1 क्या हो गया जीरो।
जब आप Q2 को लेके आओगे, Q1 को लाए, जब आप Q2 को यहाँ पे लेके आओगे तो देखो इस Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल होगी, इस Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगी, तो पोटेंशियल एट बी एग्जिस्ट ड्यू टू ए ड्यू टू Q1, तो पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगी के Q1, ये डिस्टेंस मान लिया आपके पास ए है, ये डिस्टेंस भी ए कह रहे तो ये भी ए, ठीक है, अलग अलग हो तो अलग अलग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो के Q1 बाई ए आ जाएगा आपके पास, इसी इसको A1 लिख लो, अलग अलग लिख दू, A1 लिख लो, इसको X1 लिख दो, X1 ज्यादा सुंदर लगता है, X1 लिख लो, इसको आप X2 लिख लो, इसको आप X3 लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो इसमें, समझ आया, तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी X1, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग X1 लिख, समझ आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, जब आप Q3 को लेके आओगे यहाँ पे, तो देखो इस 1 के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगी और इस B के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगी, तो जो ये Q2 चार्ज आ गया इसके कारण भी C पॉइंट पे पोटेंशियल होगी और इस Q1 चार्ज के कारण भी यहाँ पे क्या होगी आपकी पोटेंशियल होगी, तो पोटेंशियल एट C एग्जिस्ट ड्यू टू बोथ द चार्जेस, बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2, किसके कारण एग्जिस्ट कर रहे हैं कि Q1 और Q2 के कारण, तो कितना बनेगा VC की वैल्यू बेटा आपकी K Q1 by X1 plus K Q2 by X2, तो क्या बना VC is equals to K पार ले लो Q1 by X plus Q2 by X, तो जब आप इस Q3 को लेके आएंगे यहाँ पे तो हमें VC पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट पोटेंशियल करना वर्क डन करना पड़ेगा VC किसके कारण है, यहाँ B के कारण भी है, Q2 चार्ज के कारण भी है VC पोटेंशियल और Q1 चार्ज के कारण भी यहाँ पे क्या होगी आपकी पोटेंशियल होगी, तो वर्क डन बाय W3 वर्क डन कितना हो जाएगा, W2 और लिख लो, W2 वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास Q2 इंटू VB, तो क्या बना है के Q1 Q2 बाय X1, ठीक है, अब ये W3 क्या बन जाएगा Q3 इंटू VC, तो Q3 ये आपके पास क्या था X1, ठीक है, और ये है आपके पास यहाँ पे X3, ये X3 है भाई, ये 2 के कारण यहाँ पे X3 आएगा, तो ये बना आपके पास Q1, ये X2 है, X2 है बेटा, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, इस 2 के कारण ये डिस्टेंस कितनी X2 है, इसके कारण ये डिस्टेंस कितनी X3, तो X2 और X3 आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा Q3, VC की वैल्यू कितनी है K Q1 by X2 plus Q2 by X3, ठीक है, तो ये लिख लिया, तो W3 जो वर्क डन आया आपका वो कितना आ गया यहाँ से Q1 Q2 by X2 प्लस Q2 Q3 बाय X3, ठीक है, Q1 Q3 है बेटा, Q3, ठीक है, तो टोटल वर्क डन के लिए सबको क्या करते हो ऐड, फिर से समझाती हूँ, जब पहले Q1 को लेके आओगे तो कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, पहले एक दूसरे को रिपेल कर रहे, थोड़ा सा टेस्ट करते Q1 भागा आएगा, तो वर्क डन क्या हुआ आपका 0, जब Q2 को लेके आओगे तो इस Q1 के कारण फील्ड लाइंस होंगी, पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा कहां पे B पॉइंट, ठीक है, तो मैं B पॉइंट पे पोटेंशियल को Q2 को लेके आ, तो मुझे इस BB के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि C के पास कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे पहले, तो C पे कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पे इसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो वर्क डन सिर्फ Q1 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा W2 K Q1 Q2 by X1, ठीक है, जब Q3 को लाऊंगी तो मुझे इस VC पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करने पड़ेगा, और VC पोटेंशियल किसके कारण होगी Q2 के कारण भी होगी यहाँ पे और Q1 के कारण भी होगी, तो मैं क्या लिखूं Q3 इंटू VC, वर्डन का फॉर्मूला यही बताया अभी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना आपका यहाँ पे आपका बेटा, ये हटा दो एक बार, तो टोटल वर्क डन के लिए सबको ऐड कर दो, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास के W, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 जीरो हो गया, तो W2 कितना है के Q1 Q2 बाई X1 प्लस के Q1
Q3 by X2 plus K Q2 Q3 by X3, ठीक है? ये क्या बन गया, W is equals to U12 U13 plus U23। तो इस तरीके से भी हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ही, देखो डेरिवेशन ना आए कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा, पर सिस्टम के काम न्यूमेरिकल्स के लिए दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जरूर आने चाहिए सभी बच्चों, ठीक है? ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि डेरिवेशन। डेरिवेशन समझाने के लिए था कि कोई कॉन्फिगरेशन पूछे तो कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स के बीच में कैसे लगाओगे, ठीक है? तो ये दोनों फॉर्मूले कोई भी एक अच्छे से याद रखना, ठीक है? तो ये तो पहले केस था आपके पास। सेकेंड केस में बात करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन द एक्सटर्नल फील्ड। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन द एक्सटर्नल फील्ड, या डाको लिख लो जल्दी से, फास्ट लिख लो जल्दी। पॉज करके लिख लेना, ठीक है? हो गया होगा सबका। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जब बात करी थी यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, यहाँ जब मैंने बात करी है तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिंगल चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज व्हेन एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट, एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट, जब वहां पे क्या एग्जिस्ट करे, एक्सटर्नल फील्ड क्या करते हो, एग्जिस्ट। मान ले ये कोई रीजन है यहाँ पे ऐसे, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी कोई एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड मतलब यहाँ पे मैं एक हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है? कोई सिंगल चार्ज को मैं मूव करवा के लाऊंगा, वो सिंगल चार्ज पहले इंफिनिटी पे रखा था, वो सिंगल चार्ज पहले कहाँ रखा था, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से उसको यहाँ लेके आऊंगी तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, इंफिनिटी से मैं जब उसको यहाँ मूव करवा के लाऊंगी तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट, इस पोटेंशियल के अगेंस्ट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है? और ये फॉर्मूला क्या था, UF माइनस UI बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? तो UI किसे, इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे है तो जीरो बन गया, तो U किसके बराबर हो गया, वर्क डन के, तो U बराबर वर्क डन क्या बन गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल। मतलब सिंगल चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे मूव करवाएंगे, जब सिंगल चार्ज को, सिंगल चार्ज को, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द एक्सटर्नल फील्ड, इन द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है? तो देखिए करेगी, उसके कारण
अपघटन करना पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल एट बी, टोटल पोटेंशियल एट बी, बी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या होगी आपके पास के, इसके कारण क्या होगी के क्यू वन बाई, डिस्टेंस में आर कह देती हूँ, के क्यू वन बाई आर प्लस में बी बी, बी बी पोटेंशियल तो बी पॉइंट पे दे ही रखी है ठीक है, और इस क्यू वन के कारण भी बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगी, वो कितनी होगी के क्यू वन बाई आर। अब मुझे इस पूरी बी बी पोटेंशियल के अगेंस्ट जब क्यू टू को मूव करूंगी तो वर्णन करना पड़ेगा, तो टोटल वर्णन डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा क्यू टू इंटू टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट बी, तो क्या बनेगा क्यू टू इंटू के क्यू वन बाई आर प्लस वी बी, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपका के क्यू वन क्यू टू बाई आर प्लस क्यू टू इंटू वी बी। अब इस फॉर्मूला की बात करते हैं, यहाँ पर जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में समझ लिया था क्या होगा यू एफ माइनस यू आई, यू आई तो क्या बन गया जीरो, तो यू को क्या लिख दो यू एफ को लिख दो यू, तो यू बराबर किसके बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो क्या बनेगा क्यू वन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, तो यू बराबर डब्ल्यू वन कितना आपके पास क्यू वन वी ए प्लस क्यू टू वी बी प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो जब हम एक्सटर्नल फील्ड में बात करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा बाय द पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होगा वहां, ठीक है क्लियर हो गई बात सबको समझ आ गई ठीक है। अब बात करते हैं इसी के अंदर एक फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो इस सिस्टम के जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लीजिए, ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं कैसे, जैसे चार चार्जिंग हो जाएंगे तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, जैसे चार चार्जेस है इस सिस्टम क्यू 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 क्यू, पूछा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जैसे इस सिस्टम की निकाली आपने, ये एक सिस्टम था इस पे आप क्यू वन क्यू टू बात कर रहे थे ना, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री यही था ना, तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी के क्यू वन क्यू टू, मान लिया डिस्टेंस सारी ए मान लेते थोड़ी देर के लिए, के वन क्यू वन क्यू टू बाई ए, के क्यू वन क्यू थ्री बाई ए प्लस के क्यू टू क्यू थ्री बाई ए, यही आई थी ना ठीक है। अगर ये सारे चार्जेस सेम हो, इस केस में बात करते हैं पहले, अगर सारे चार्जेस कैसे है सेम, ये तो लिख लिया होगा ना बेटा यहाँ से, अगर ये सारे चार्जेस कैसे है सेम है सिमिलर है, मतलब क्यू वन बराबर है क्यू टू के बराबर है क्यू थ्री के बराबर है क्यू, तो यू क्या बन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, कितना आ जाएगा थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है ये आ जाएगा आपके पास ठीक है। अब इसी तरह अगर ये चार चार्जेस है इस सिस्टम के कारण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास फोर के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है क्यों देखो किसी के कारण बात कर लो, इसके कारण इस पे होगी, इसके कारण इस पे होगी, इसके कारण इस पे होगी ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे पूरे सिस्टम के कारण सारे कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, तो ये कैसे आया ये कॉम्बिनेशन बता देती हूँ मैं, देखो ये चार चार्जेस है ना इसके लिए लिखते हैं फोर सी टू, क्योंकि दो दो कॉम्बिनेशन लिखेंगे दो दो का क्या बनेगा फोर सी टू, कॉम्बिनेशन मतलब अरेंज करके लिखना, चार्जेस को आप अरेंज करके कैसे लिख रहे हो, तो क्या बनेगा फोर सी टू मतलब फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल फोर माइनस टू फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, नीचे वाले को टू इंटू वन तो टू ही लिख सकते हो, इसको भी फोर इंटू टू तो टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल टू से टू कैंसिल, इसमें टोटल कॉम्बिनेशन छह बनेगी, तो यहाँ पे चार नहीं आएगा कितना आएगा सिक्स आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास सिक्स आएगा, अभी सॉल्व भी करके बताऊंगी इस न्यूमेरिकल को, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना आएगा आपका सिक्स, यहाँ पे देखते हैं इसको थ्री सी टू थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये सब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बता रही हूँ मैं, डिवाइड बाई थ्री टू फैक्टोरियल इंटू थ्री माइनस टू फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, क्या बना थ्री इंटू टू इंटू वन, ये टू इंटू वन ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो कितना आया थ्री, देखो यहाँ थ्री तो आया था ना आपका, यहाँ पे कितना आया था आपका थ्री, अगर चार चार्जिंग होगा तो फोर सी टू, छह चार्जिंग होगा तो सिक्स सी टू, दस चार्जिंग होगा टेन सी टू,
ठीक, कितने में चार्जिंग हो, इस कॉम्बिनेशन से ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें बनेंगे यहाँ पे, आपके कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या करेंगे एग्जिस्ट। ठीक है, अब जैसे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, देखो न्यूमेरिकल देखो आप अभी एक बार, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है, इसके चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखे क्यू क्यू क्यू। ठीक है, पूछ रहा आपके पास पहला क्वेश्चन ए, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट वन चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस। दूसरा बी पार्ट में पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की क्या निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। देखो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पहले क्वेश्चन में पूछा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट वन चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग स्पेलिंग ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, दूसरे पूछा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, तो पहले अलग अलग करते हैं। देखो पहले बात करते हैं एट वन कॉर्नर ड्यू टू द रिमेनिंग चार्ज, किसी एक इसको पकड़ लो, इस कोने पे चार्ज निकालने किसके कारण, बाकी सबके कारण। तो देखो इसके कारण या बी के कारण या पोटेंशियल होगी, ये पोटेंशियल का यू वन कह दू, इसके कारण या पोटेंशियल होगी ये यू टू हो जाएगी, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगी वो यू थ्री हो जाएगी। देखो किसी एक के ऊपर निकालना रिमेनिंग के कारण, ठीक है, तो क्या बनेगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री। तो देखिए क्या आया आंसर में, यू वन क्या बन जाएगी के क्यू स्केयर बाई ए प्लस यू टू क्या बन जाएगी, देखो ये ए ए रूट टू ए बन जाएगी, के क्यू स्केयर बाई रूट टू ए प्लस ये क्या बन जाएगी आपकी के क्यू स्केयर बाई ए। तो क्या फॉर्मूला बना, टू के क्यू स्केयर बाई ए प्लस के क्यू स्केयर बाई रूट टू ए। तो के क्यू स्केयर बाई ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा टू प्लस वन बाई रूट टू। तो ये पहले क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर कि एक कॉर्नर पे चार्ज निकालना आपको ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल पूछे तो क्या लिख दोगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर यहाँ पे पूछ रहे हो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए टू प्लस वन बाई रूट टू, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी के बाई ए टू प्लस वन बाई रूट। अगर वो पोटेंशियल पूछे, ठीक है, बाकी आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा था पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको इतना ही करना था, ये नहीं करना था, क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा था पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसके कारण, रिमेनिंग के कारण, किसी एक कॉर्नर पे पूछा था। सेकंड में बात करें ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ ए चार्जेस, सेकंड केस में देखिए ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्ज, देखो इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगी, या मैंने अभी बताया कि 4C2 के कॉम्बिनेशन से निकाल दो, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल को 2, इसको भी 2 × 1 2 × 1, तो 2 1 से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बने आपके पास भैया, ये तो गलत आ रहा है, सॉरी एक 2 से 2 कैंसिल हो गया ना यहाँ, ठीक, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया आपके पास 6, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 6, बस इससे ये पता लग जाएगा आपको कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके 6। इसका एक फॉर्मूला और भी यूज होता है n × n − 1/2, n कितने है 4, तो 4 − 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 × 3 कितना आ जाएगा 6। उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस बने, शॉर्ट ट्रिक है बस थोड़ा सा और कुछ नहीं। अब देखो बाकी आपको सब सिस्टम मतलब सबके इंटरेक्शन के बीच की एनर्जी निकाल, सिस्टम मतलब सभी के बीच में कितना कितना इंटरेक्शन है उसके लिए एनर्जी निकाल, तो इन दोनों के लिए इंटरेक्शन एनर्जी हो कितनी होगी सबसे पहले, तो ये बनी टोटल इंटरेक्शन एनर्जी पहले इन दोनों के बीच में, यू वन कह दू मैं,
जैसे इसको मैं मान लेती हूँ वन, इसको मैं टू, इसको मैं थ्री, इसको मैं फोर, चार, ऐसे कह देती हूँ मैं, ठीक है, समझ आया। तो पहले U1 2 के बीच में होगी, U2 3 के बीच में इंटरेक्शन होगा, U3 4 के बीच में इंटरेक्शन होगा, U4 1 के बीच में इंटरेक्शन होगा। भाई मैंने देखा 1 और 2 के बीच में इंटरेक्शन, 2 और 3 के बीच में इंटरेक्शन, 3 और 4 के बीच में इंटरेक्शन, 4 और 1 के बीच में इंटरेक्शन, प्लस इन दोनों के बीच में तो इंटरेक्शन होगा, तो 3 और 2 के बीच में, 3 और 1 के बीच में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी तो होगा 4 और 2 के बीच में, 4 और 2 के बीच में, बस 4 और 2 के, तो सिस्टम की कहां निकल जाएगी, तो U12 क्या बनेगा, KQ square by A, U23 भी क्या बनेगा, KQ square by A, U34 भी क्या बनेगा, KQ square by A, U41 क्या बनेगा, KQ square by A, U31 देखो ये डिस्टेंस रूट टू आ जाएगी, के क्यू स्केयर बाय रूट टू ए, इसमें भी है के क्यू स्केयर बाय रूट टू ए, ठीक है। तो बन जाएगा आपका के क्यू स्केयर को बाय ए को बाहर ले लो, ठीक है। तो क्या बचा ये वन प्लस वन प्लस वन, मैं लिख लू इनको, तो फोर बन गया, तो सेम ही है, फोर के क्यू स्केयर बाय ए प्लस ये बना टू के क्यू स्केयर बाय ए बाय रूट टू ए, तो के क्यू स्केयर बाय ए बाहर ले लो, तो वह क्या बचा, फोर प्लस टू रूट टू के क्यू स्केयर बाय ए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा डू टू द सिस्टम ऑफ फोर ए चार्जेस, समझ आ गया। लिखे क्वेश्चन को जल्दी से एक बार, ओके बेटा सभी का एक क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, एक ट्राइंगल दे रखी है, तीन, एक ही क्वेश्चन के तीन पार्ट है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है जिसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। साइड कितनी है ए ए ए, पहले पार्ट पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। दूसरे पार्ट में पूछा है फाइंड द, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिक्रीज साइड ए बाई टू ऑफ द ट्राइंगल, ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन के सी पार्ट में पूछा है, तीसरा पार्ट क्वेश्चन का, उसमें पूछा है इफ द चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द सोन पोजिशन, ये पोजिशन जो दे रखी है सोन पोजिशन, mass m, then find the speed of each particle, mass particle का कितना है, and m is the mass of the particle, and m is the mass of the particle, then find the speed of each particle when they lie on the triangle of side 2, when they lie on the triangle of side 2a, ये क्वेश्चन है बेटा, लिख लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पॉज करके फटाफट। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाले, दूसरे में निकाला वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ए बाई टू, ठीक है, इसकी साइड्स को ए बाई टू डिक्रीज करने के लिए कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। तीसरे पूछ रहा है इस सोन पोजीशन से चार्जेस रिलीज हुए, तो जब वो चार्जेस रिलीज होकर टू ए डिस्टेंस पे पहुंचे तो उनकी स्पीड कितनी थी, ए से कितनी डिस्टेंस पे पहुंचे वो टू ए डिस्टेंस पे, तो उनकी स्पीड बतानी थी,
ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम के लिए, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, इस सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो कितना आ जाएगा थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दूसरे में कह रहा है ये साइड ए से कितने डिक्रीज कर दी ए बाई टू, ए बाई टू, तो वर्क डन कितना करना पड़ा ए से, तो वर्क डन क्या था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, यही था ना आपके पास फॉर्मूला यू एफ माइनस यू आई। तो यू एफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उनकी, कितनी है थ्री के क्यू आई आर, ये इनिशियल पोजिशन है और ये क्या आ गई उसकी फाइनल, तो फाइनल में क्या बन जाएगा थ्री के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस क्या लिख दोगे ए बाई टू, अब डिस्टेंस कितनी होगी ए बाई टू सिंपल, और इनिशियल इसमें कितनी है थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए बाई वर्क इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन ही पूछा है उसने, तो ये बना सिक्स के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू डब्ल्यू टू, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा सिक्स माइनस थ्री, तो थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो ये आ जाएगा ए बाई टू डिस्टेंस तक रिड्यूस करने में कितना वर्क डन उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना वर्क डन कितना करना पड़ेगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, वो ये कह देता ए बाई थ्री तो यहाँ क्या लिख देते ए बाई थ्री, वो कह देता टू ए तो यहाँ पे क्या लिख देते टू ए, यहाँ कह देता फाइव ए तो यहाँ क्या लिख देते फाइव ए, कुछ फर्क नहीं पड़ा कितनी भी डिस्टेंस कह सकते हो, यहाँ ए बाई टू कहे तो ए बाई टू लिख लो, थ्री बाई ए कुछ भी डिस्टेंस कहे यहाँ पे वो वही डिस्टेंस यहाँ पुट कर देनी थी बस, और कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, समझ आ गया, सिस्टम के लिए फॉर्मूला था, फिर आपने पूछा कि इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे लेके जा रहा है, फॉर्मूला क्या फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इनको सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करके ये आंसर है। ठीक है, तो अगले पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में पूछा स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्या लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये होता ना यू एफ प्लस के एफ यू आई प्लस के आई, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, तो ये याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, तो आपके पास यू एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितने डिस्टेंस पे लेके जा रहा है टू ए डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे जा रहे हैं पार्टिकल ए से कितने पे जा रहे हैं टू ए पे, तो ये क्यू 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 कितना बन जाएगा थ्री के क्यू स्क्वायर बाय टू ए, फाइनल तो ये बन जाएगी उसकी क्योंकि डिस्टेंस ए कितनी स्पीड कितने तक पूछ रहा है टू ए तक होने पर स्पीड कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी वो उसमें रेस्ट में आ जाएगा उस सिचुएशन में, तो सॉरी इनिशियल जीरो हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो, तो ये कितना बनेगा वन बाई टू एम वी का स्केयर, रिसे इनिशियली तो सारे किस में रखे हैं रेस्ट में, रेस्ट से रिलीज हो रहे हैं वो कितना बन जाएगा यू आई, यू आई कितना बन जाएगा थ्री के क्यू स्केयर, ये बनेगा थ्री के क्यू स्केयर बाई पोजिशन कितनी है ए, तो इसको सोल्व कर लो इधर ले आओ तो थ्री के क्यू स्केयर ये इसको उधर ले जाओ, तो वन बाई टू एम वी का स्केयर बराबर किसके हो गया थ्री के क्यू स्केयर बाई ए माइनस थ्री बाई टू के क्यू स्केयर, तो थ्री के क्यू स्केयर बाई ए बाहर ले लो क्या बचा वन माइनस वन बाई टू, कितना बचा थ्री बाई टू के क्यू स्केयर बाई ए। ठीक है, और वेलोसिटी स्पीड पूछ रहा तो वी स्केयर कितना हो जाएगा इस टू को उधर ले जाओ तो टू इंटू थ्री बाई टू इंटू एम के क्यू स्केयर बाई ए, टू से टू कैंसिल तो वी स्केयर आ गया थ्री के क्यू स्केयर बाई एम इंटू ए, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री के क्यू स्केयर बाई एम इंटू ए का अंडर रूट, ये आ जाएगी उसकी स्पीड कि टू ए डिस्टेंस तक जाने स्पीड जब भी पूछे तो ये आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाना यू एफ प्लस के एफ यू आई प्लस के आई। ठीक है, तो इनिशियली रेस्ट में तो के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो वो स्पीड कितनी स्पीड में पहुंचा फाइनल में, तो फाइनल क्या होगी वन बाई टू एम वी का स्केयर, इसको सोल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगी आपकी स्पीड ऑफ द पार्टिकल।
ठीक है, कर लीजिए एक बार सॉल्व फटाफट। सॉरी बेटा, ईच पार्टिकल के लिए पूछी उसने, एक बार ध्यान रखना, ईच पार्टिकल के, तो ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसके लिए पूछा है? ईच पार्टिकल के, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये 3 से जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा, तो ये बना 3 1 बाई 2 एम वी का स्केयर। मैं यही कर रही हूँ, एक बार देख लो। अरे ईच पार्टिकल की पूछा था, एक पार्टिकल का नहीं देते जी 1 बाई 2 एम वी स्केयर, जैसे यहाँ करा था 3, तभी तो मल्टीप्लाई करा ना, 3 के क्यू स्केयर बाई ए, 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 तो ओके आया ना ये 3। इसी तरह यहाँ पे ये 3 देखो, ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी, ठीक है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना है 3 से, तो 3 से 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो ये बच्चा आपके पास यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा बस फॉर्मूले में, याद रखना ये आंसर ही आएगा के क्यू स्क्वायर बाई एम में, ठीक है। तो सोल्व करना चाहो तो कर लेना, उसको बाहर निकाल के जो भी आपका पास आएगा लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, जो भी आपका सोल्यूशन आ रहा है लिख लीजिए बेटा जल्दी से। क्वेश्चन वो अच्छा क्वेश्चन है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस फॉर्मूले को लगा देना, कहीं पे भी पूछे आपसे, ठीक है। देखिए जल्दी से नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका। ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम जी बाई क्यू इन स्पेस शोन इन द फिगर, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास एम हैविंग द चार्ज क्यू इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ लाइट इंसुलेटेड रोड, इफ द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द पोजिशन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड व्हेन इट इज पासिस थ्रू द बॉटम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि ये एक पोजिशन है, ठीक है, एक रोड है, इंसुलेटिंग रोड है, ठीक है, जिस किसी एंगल थीटा पे ये पोजीशन उसकी गिवन है, ये इन द एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है सारी वैल्यू, ठीक है, तो वो इस एक्सटर्नल फील्ड में इधर मूव कर रहा है, ये एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे गिवन है आपकी, ठीक है, ऐसे। तो पूछ रहा आपके पास फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड व्हेन इट इज पासिस थ्रू द बॉटम मोस्ट पोजिशन। तो एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, चार्ज क्यू है, अटैच्ड एट द एंड ऑफ द रोड, ये रोड है यहाँ पे, इसका मास एम है, चार्ज क्यू है, ठीक है। पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द पोजिशन, पार्टिकल इस पोजिशन से यहाँ रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास इसको वर्क डन करना पड़ेगा आपके पास। तो देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर है, तो पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, क्योंकि पार्टिकल इस पोजिशन से ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसे लाना चाहेगी, तो उसको वहां पे वर्कडन करना पड़ेगा, तो वो वर्कडन कैसा होगा वो देखते हैं एक बार, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, ये क्वेश्चन लिख लेना पॉज करके सारे बच्चे। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड, तो देखिए ये रोड है आपकी, मैं बड़ी सी पोजिशन बना देती हूँ यहाँ पे, ये रोड है, ये ऐसे जा रही है यहाँ पे, ये एंगल थीटा दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर ऐसे, यहाँ पे चार्ज क्यू है, ये इस पे क्यू और एम क्या है, यहाँ पे मास है। तो देखो जब यहाँ पे इस पोजीशन की यहाँ बात करोगे, ये क्या एल इज द लेंथ ऑफ द रोड, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाली साइड एल साइन थीटा हो जाएगी, और ये पूरी लेंथ कितनी है आपके पास एल, तो जो ये वाली साइड होगी आपके पास ये बन जाएगी एल कोस थीटा, और पूरी कितनी है ये आपकी एल, और ये साइड में है तो ये वाली साइड कितनी बनेगी आपकी एल कोस थीटा बन जाएगी यहाँ से, और ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी एल, ठीक है, समझ आया यहाँ पे, ये जो मैंने साइड ली ये सबको क्लियर होगी, अब कुछ नहीं। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या बात करनी है आपको, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, यू एफ प्लस के एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई, इसको ऐसे लिख सकते हो यू एफ माइनस यू आई के आई माइनस के एफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो यू एफ माइनस यू आई, इसको के एफ माइनस के आई लिखोगे तो माइनस कॉमन, तो ये डेल्टा के बन गए के एफ माइनस के आई, तो बना डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला है यही वाला, बस मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख दिया यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो डेल्टा यू एनर्जी जो होगी टोटल एनर्जी वो किसके कारण होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, और मास एम दे रखा तो ग्रेविटी के कारण भी वर्क डन करना पड़ेगा उसको, वर्क डन ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, वो ग्रेविटी के कारण ऊपर जा रहा है,
रहा है, इधर जा रहा है रोड के कारण, वो इधर इधर से मुंह करके ऐसे गया यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तो पहले बात करते हैं बर्डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, बर्डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। बर्डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, अभी बताया था मैंने यू एफ माइनस यू आई माइनस ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिकल फोर्स, अभी बताया था। और एक्सटर्नल होगा तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। एक्सटर्नल होगा तो कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना बनेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। तो चार्ज क्यू, पोटेंशियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू इनटू ई क्या होता है, वी बाय एल। तो वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई इनटू एल। और एल कितना है, एल साइन थीटा, इस पोजिशन पे कितना मूव कर रहा है वो, एल साइन थीटा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो आ रही है, ऐसे ही तो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे हॉरिजॉन्टली ऐसे गया वो, इतना वर्क डन उसको करना पड़ा। तो यहाँ पे ई ई एल एल की जगह क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वर्क डन हुआ। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन इधर ही होगा उसके द्वारा, और ये डिस्टेंस ये क्या बना आपके पास, एफ क्या होता है, क्यू ई बाई एम। तो ये इसके अगेंस्ट इतना ही तो वर्क डन करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी इधर, एल साइन थीटा, तो क्या लिखते हैं, क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास यहां से ग्रेविटी के कारण वर्क डन कितना होगा, एम जी एच। तो कितनी हाइट पे, टोटल हाइट कितनी है एल, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एल कॉस थीटा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, एम जी एल कॉस थीटा, तो एल माइनस एल कॉस थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो किस में, रेस्ट में है, रेस्ट से कितनी वेलोसिटी में मूव करा, वी वेलोसिटी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv का स्क्वायर। इन सब को बराबर रख दो यहाँ पे, इन सभी को बराबर पुट कर दिया यहाँ पे, इधर से हटा दो, लिख लो जल्दी से एक बार पॉज करके जल्दी से। सिंपली कुछ नहीं करा मैंने, इस फॉर्मूले को लगाया। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटी के कारण भी होगी। तो ग्रेविटी के कारण भी, क्योंकि ग्रेविटी मास को नेग्लिजिबल नहीं कर रहा, वो कह रहा मास एम है, तो पार्टिकल ग्रेविटी के अगेंस्ट भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण भी वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होगा। तो दोनों को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और बराबर पुट कर दिया किसके, काइनेटिक एनर्जी के। लिख लिया इधर से, पॉज करके लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये बना आपके पास यहाँ से, देखो एम से एम क्या होगा, कैंसिल। तो ये बचा आपके पास यहाँ पे जी एल, एम से एम जी एल साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 45। तो साइन 45 यही रख रही हूं मैं, साइन 45। ये भी क्या बन जाएगा, कॉस 45, क्योंकि थीटा उसने 45 डिग्री दे रखा है। तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस जी एल माइनस जी एल कॉस 45 कितना हो जाएगा, √2 बराबर v² / 2। तो जी एल से जी एल कैंसिल, तो v स्केयर कितना आ गया, 2gl। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √2gl। ये वेलोसिटी आई, उसने पूछी एंगुलर वेलोसिटी, तो v क्या होता है, एल ओमेगा। अरे ये इस पूरे सर्कल में घूमेगा तो r ओमेगा का फॉर्मूला पता ही है ना सबको, ऐसे ऐसे। तो ये l उसकी रेडियस बन जाएगी एनी सर्कल की, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, l ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v/l। कितना हो जाएगा, √2gl/l। इसको सिंपलीफाई करके लिखना चाहते लिख लो, √l से मल्टीप्लाई, √l से डिवाइड। तो ये बना ऊपर आपका √2g√l/√l डिवाइड बाय l/√l। तो ये बना l से l कैंसिल, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, यहाँ लिख दो इधर, ये लिख लिया इधर से। तो यहाँ ये आ जाएगा आपका √2g/l। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √2g/l। अच्छा क्वेश्चन था, ढंग से कर लीजिए, आईआईटी में आया हुआ भी क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है, समझ आ गया। सिंपली ये एक पेंडुलम है, ये इस पोजीशन से इधर जा रहा है आपके पास, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे सीधा लिख लो, एल माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। अरे पूरी लेंथ कितनी है एल, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इस एल के कारण, थीटा के एल कॉस थीटा, और सामने वाला एल साइन थीटा। तो ये एल कॉस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला लगाओ, यू एफ माइनस यू आई बाय वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, सबको पुट कर दो। तो जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, क्लियर हो गया, ये कर लोगे सारे। हाँ जी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी आपका।
देखिए बेटा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए फटाफट। ये कह रहा है कि तीन चार्ज पार्टिकल है Q1, Q2 और Q3, ठीक है। Q3 यहाँ पे रखा हुआ है आपके पास। Q3 पे चार्ज है -4 कूलम, Q1 पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, Q2 पे चार्ज है आपका 2 माइक्रोकूलम। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। 2018-19 में देख लेना कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। पूछ रहे आपसे इसका मास कितना है, 1 ग्राम है। वो कह रहे हैं Q3 रिलीज होता है रेस्ट से, तो इसकी स्पीड बताइए जब ये एम पॉइंट पे पहुंचेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज Q3 चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज रीचेस एट द पॉइंट एम। फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल Q3 व्हेन इट इज रीचेस एट द पॉइंट एम। एम पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। देखिए फॉर्मूला क्या है आपके पास स्पीड के लिए। मैंने कहा जब भी स्पीड पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दो, जब पीछे भी क्वेश्चन करा है। UI प्लस KI UF प्लस KF सिंपली। तो देखो इनिशियली जब वो इस पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो क्योंकि रेस्ट से रिलीज हो रहा है। तो क्या बनेगी, देखो इन दोनों के सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाली है तो K Q1 Q3। देखो ये डिस्टेंस 3 दे रखी है उसने, ये 4 तो ये 5 आ जाएगी। ये दे नहीं रखी निकाल लेना, ठीक है। ये 3 है ये 4 है तो ये 5 आ जाएगी। अरे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना होता है √25। √25 कितना आ जाएगा 5, इसलिए मैंने सीधा 5 लिख दिया। कितना आ जाएगा आपके पास ये 5 प्लस के Q2 इंटू Q3, ये भी कितना आ जाएगा 5। फिर इन दोनों में जो होगा के Q1 Q2 ये डिस्टेंस कितनी दे रखी 3 3, तो 6 हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 तो 0 बराबर। ये आपके पास ये ऑप्शन दे रखे लिख लेना आप लोग, मैं हटा रही हूँ अभी इनको, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कब होगी कि जब ये Q3 पार्टिकल, ये जो Q3 है ये यहाँ आ जाएगा एम पॉइंट पे। ये जब ये Q3 किस पॉइंट पे आ जाएगा, एम पॉइंट पे, तब ये पोजीशन बन जाएगी। ये Q1, ये Q3 और ये आपका Q2। ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये भी कितनी है 3 मीटर। तब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या कितनी बनेगी, के Q1 Q3 डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर अब इनके बीच की, के प्लस के Q2 Q3 अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 प्लस, और उन दोनों के बीच की अब Q1 के Q1 Q2 के बीच की कितनी है 6, ठीक है। अब आपको इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है सिंपली। के तो देखो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, सब में ही है, ठीक है। के तो कैंसिल हो गया, ठीक है। Q1 कितना है 2 2 माइक्रो, माइक्रो कूलम है आपके पास 2 × 10⁻⁶ प्लस माइक्रो कूलम सब में है तो माइक्रो भी कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो भी सब में आएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 2 × Q3 कितना आपके पास 4 माइनस का 4 क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी साइन पे डिपेंड करेगी डिवाइड बाय 5, तो ये बन गया माइनस का 8/5 प्लस Q2 कितना आपके पास 2, Q3 कितना माइनस का 4 डिवाइड बाय 5 प्लस ये कितना बनेगा 4 डिवाइड बाय 6 Q1 Q3 कितना बनेगा माइनस का 8/3 Q2 Q3 ये भी कितना बचेगा माइनस का 8/3, ठीक है। प्लस Q1 Q2 कितना आपका 4 डिवाइड बाय 6, तो इनको मैं सीधा लिख दूं, ये बना माइनस का 8/5 माइनस का 8/5, ये भी कितना बना माइनस का 8/5, तो ये बना 8 16 तो 16/5, ठीक है। माइनस का 16/5 प्लस का 2 से काट लो तो ये 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 8/3, तो ये बना 16/3 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल कर लो 2/3, ठीक है। तो ये प्लस का 2/3, ये माइनस का 2/3। इधर बेटा ये और ऐड कर लेना काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, कैंसिल नहीं होगा भाई ये, फिर ये 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 mv का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, ठीक है। तब आपके पास क्या बन जाएगा, ये 16/5 ये इधर आएगा तो प्लस का 16/3 इज इक्वल टू 1/2 एम, कितना 1 ग्राम एम, उसने 1 ग्राम दे रखा तो एम पुट कर लो, इसको लिखो फटाफट जल्दी से, वीडियो भाई बहुत लंबा हो रहा है, फटाफट जल्दी करो, लिख लिया पोज करके लिख लेना बेटा, ठीक है। तो आगे देखो इसको यहाँ से, तो ये बन जाएगा यहाँ से आपका माइनस का 16, एलसीएम कितना आ जाएगा 15,
एलसीएम 15 ले लो तो 5 3 जा 16 3 जा 48 ठीक है, तो 3 5 जा 16 5 जा 80 इज इक्वल टू 1 बाय 2 वी स्क्वायर, तो 80 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और ये बना आपके पास 7 7 बाय 3 तो 3 बाय 2 बाय 15 कितना बनेगा ना आपके पास, तो ठीक है तो ये बना आपके पास 1 बाय 2 वी का स्क्वायर ठीक है, तो ये बना वी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 15 ये कट नहीं कटता तो इनको देख लो अंडर रूट कर लेना 64 बाय 15 का अंडर रूट कर लेना ठीक है, तो अंडर रूट करके जो भी आंसर आएगा वो चेक कर लेना जो भी आ रहा है बार देख लेना जितना आ रहा है 15 43 24 14 तो जो भी इसका अंडर रूट आएगा वो देख लेना बेटा आपके पास, तो जो आपका ये आंसर होगा ये आंसर आ जाएगा, तो इतनी स्पीड से क्या करेगा वो वहां पे पहुंचेगा, ये कैलकुलेशन देख लेना K Q1 Q3 by 5 plus K Q, बस ना याद रखना फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस जीरो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 mv का स्क्वायर, मास उसने 1 ग्राम दे रखा है, ग्राम में किलोग्राम बना लेना, एक तो मास कितना दे रखा 1 किलोग्राम, मास को मैं अभी एम ही छोड़ रही हूं भैया, 1 ग्राम दे रखा तो ग्राम में किलोग्राम बना लेना एम ठीक है, तो एम किलोग्राम में किलोग्राम बनाओगे 10^-3 इंटू वी स्क्वायर, तो ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10^3 मतलब नीचे 1000 में चला जाएगा ये, अरे ग्राम दे रखा है ना तो 10^-3 लिख लेना 10^-3 इंटू वी स्क्वायर ठीक है, तो वी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये बन जाएगा ये 6400000 डिवाइड बाई 15, तो वी करोगे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 64 और 3 0 और इंटू 15, तो ये बी करोगे तो इसका अंडर रूट आ जाएगा ठीक है, इसका सोल्व कर लेना, ये आंसर लगभग 6 के आसपास आ जाएगा आपका, कर लेना सोल्व ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि जब वो पार्टिकल इनिशियली इस पोजिशन पे रखा हुआ है Q3, जब वो इधर अट्रैक्शन होगा तो इधर आएगा ऑब्वियस सी बात है, देखो ये मैंने सीधा सोल्व कर दिया, ये Q3 है ना यहाँ पे, ये माइनस का 4 है, ये 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम Q1 और Q2, इन दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन, देखो अट्रैक्शन होगा तो वो सीधा ऐसे आएगा नीचे, तो जो एम पॉइंट पे पहुंचेगा ऐसे ठीक है, तो वो वेलोसिटी पूछ रहा है जो वो एम पॉइंट पे पहुंचेगा ठीक है, तो वो ऐसे खींचेगा वो ऐसे, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का ठीक है, तो एक फोर्स इधर एक कंपोनेंट इधर, तो रिजल्टेंट कंपोनेंट किधर आएगा अलोंग द एम, तो कंपोनेंट फोर्स लगा दो इसको सोल्व कर लेना ठीक है बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट सोल्व करेंगे आप लोग ठीक है बेटा, कर लेना क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं और डेली का होमवर्क डेली करना, ओके बेटा।